नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप देख रहे हैं हमारा चैनल खेल ग्रहों का। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 मार्च 2019 को राहु का राशि परिवर्तन हुआ है, कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए इस ग्रह राहु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, दूसरे ग्रह क्या सपोर्ट करेंगे या क्या डिस्टर्ब करेंगे, आपकी लाइफ के पैरामीटर्स पर, सेक्टर्स पर इसका क्या इंडिकेशन होगा। राहु एक छाया ग्रह है जो कि हमेशा वक्री चलता रहता है, हमेशा उल्टा चलता रहता है। आपने दूसरे ग्रह देखे रहेंगे या उनके बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना होगा, सुना होगा कि मेष राशि से वृष राशि में, वृष से मिथुन राशि में अर्थात आगे बढ़ते रहते हैं और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री रहते हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। राहु शनि के समान फल करता है, केतु मंगल के समान फल करता है। जिस प्रकार बृहस्पति को विशेष दृष्टि प्राप्त है कि पंचम और नवम, ठीक उसी प्रकार राहु को भी पंचम और नवम दृष्टि प्राप्त है। केतु को फोर्थ और एट्थ अर्थात चतुर्थ और अष्टम दृष्टि प्राप्त है, उस वजह से केतु भी अपना फल मंगल के समान देता है। प्रत्येक राशि के बारे में हम जानना चाहेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस राहु के राशि परिवर्तन से 18 माह तक अर्थात 6 मार्च 2019 से 23 सितंबर 2020 तक ये राहु आपको क्या फल देगा। राहु एक ही राशि का अधिपति है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह दो दो राशि पर अपना नियंत्रित करते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं। उसमें से एक मूल त्रिकोण राशि होती है, दूसरी सामान्य राशि होती है। राहु और केतु भी एक एक राशि को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसी राशि का फल देते हैं जिस भाव में वो स्थित होते हैं, या जहाँ पर उच्च होते हैं या नीच राशि के होते हैं उसका फल जरूर मिलता है। आइए अब बात करते हैं राहु के राशि फल की। आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के व्यक्तियों को, सिंह राशि के व्यक्तियों को और कुंभ राशि के व्यक्तियों को इस राहु के राशि परिवर्तन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि राहु अपनी राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस को, राशि से जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं वो राशि से संबंधित आता है। मून साइन जो है वहाँ से जब गिनने पर 3rd, 6th और 11th आएगा राहु, तब तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, पॉजिटिव आपको फल देगा। तो मेष राशि की कुंडली में 3rd हाउस में राहु का प्रवेश हुआ है, 3rd हाउस पराक्रम का है, तो आपके मित्र से आपको लाभ होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका बाहुबल बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साथ ही साथ एब्रॉड से रिलेटेड जो पर्सन्स ट्राई कर रहे हैं एब्रॉड जाने की या किसी सिटीजनशिप की या NRI बनने की, तो उन व्यक्तियों को, मेष राशि के व्यक्तियों को, सिंह राशि के व्यक्तियों को, कुंभ राशि के जातकों को, व्यक्तियों को यह राहु बेटर फल देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, गेन देगा, आपको सक्सेस देगा। अब इसी राहु की दृष्टि आय भाव पर है, 11th हाउस में है। 11th हाउस का मतलब गेन है। सामान्य तौर पर जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर उसको गेन मिलता है, यश मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, थैंक यू मिलता है, या ये बोल सकते हैं आशीर्वाद मिलता है, तब भी कुछ न कुछ गेन है। आपने किसी को नमस्ते किया, वापस रिपीट में वो आपको खुश रहो बोलता है या आपको बोलता है जीते रहो, तो ये आपके लिए गेन है। 11th हाउस पर राहु की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पर राहु शनि के समान फल देता है और शनि की राशि भी 11th हाउस में, इसलिए जो बकाया धन है वो आपको मिल सकता है, जो भी आपने किसी को दिया नहीं आ रहा है वो पैसा आपको मिल सकता है, इनकम में इम्प्रूवमेंट आपका आ सकता है, आप जो भी कर्म करेंगे उनमें आपको गेन होगा, और साथ ही साथ जो आपका एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आपकी कर्म भूमि है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ भी आपकी स्ट्रेंथ, आपका बुद्धि बल का कौशल, आपका नेम फेम, या ये बोल सकते हैं आपकी पहुँच बढ़ेगी। जो आपके ऊपर वाले अधिकारी हैं, जो भी जहाँ आप काम करते हैं आपके ऑफिसर्स होंगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी ऑफिसर्स होंगे और प्राइवेट सेक्टर में तो भी जरूर होंगे, वो भी आपके कामकाज से खुश रहेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे ढंग से दिखा पाएंगे। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य बलवान रहेगा, भाग्य से जो फल मिल सकते हैं वो आपको मिलेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी और साथ में तीर्थ यात्रा में भी आप अपना समय देंगे, या ये बोल सकते हैं तीर्थ यात्रा का फल भी आपको मिलेगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है,
सप्तम भाव ग्रह सुख का भी है, सप्तम भाव साझेदारी का भी है। राहु सप्तम भाव अतः शुक्र की राशि पर अपना प्रभाव डालकर दृष्टिपात करके व्यापार में उन्नति देगा, साझेदारी में इम्प्रूवमेंट देगा। सब मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राशि परिवर्तन है राहु का, वो आपको नेचुरली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, गेन देगा। जो आप प्रयास करेंगे उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए राहु का आपको फायदा पूरा उठाने के लिए जो आपकी राशि है उससे संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। जैसे आपकी मेष राशि है तो मेष राशि के लिए मंगल से संबंधित उपायों करें। यदि किसी व्यक्ति को राहु का नेगेटिव फल मिल जाता है, जो कि मैं आगे बतलाऊंगा, तो उस व्यक्ति को राहु के दान करने चाहिए। क्या दान करने चाहिए, ये आगे का विषय है। हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और इस प्रोग्राम के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको हर किसी जानकारी, हर किसी राशि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो आपके परिवार में है, चाहे वो पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं। और सारा परिवार यदि सही ढंग से उपायों को अपना ले तो प्रॉब्लम वास्तव में कम हो सकती है। आइए अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के व्यक्तियों को राहु अपनी राशि से सेकेंड हाउस में प्रवेश हुआ है। द्वितीय भाव धन का होता है, क्योंकि आपकी राशि से नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी जो है वो शनि है, और राहु शनि को फल दे रहा है, शनि के भाव पर दृष्टिपात कर रहा है। और सेकंड हाउस में राहु आपको धन और संपत्ति से मालामाल करेगा, अतः जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी, जो आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह है, जो भी स्पेकुलेशन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राहु उसमें आपको फायदा पहुंचाएगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का अर्थ यहाँ पे आंख बंद करके अंधविश्वास करते हुए सारा पैसा नहीं लगा देना है, अपनी खुद की कैपेसिटी को चेक करते हुए। और यदि आपको शेयर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो किसी अच्छे सलाहकार से जानकारी लेकर के, सलाह लेकर के फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेकेंड हाउस का राहु कुंडली में, आपकी राशि कुंडली में सिक्स हाउस को देखेगा। सिक्स हाउस रोग का है, कर्ज का है, कंपटीशन का है। राहु जैसा ग्रह रोग भाव पर दृष्टि डाल करके आपको दुश्मन उत्पन्न तो होंगे, शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। और ठीक इसके साथ में एक फायदा आपको और मिलेगा कि यदि आपकी कोई संपत्ति गिरवी पड़ी है, यदि आपने कर्ज ले रखा है, तो कर्ज चुकाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इनकम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और आप कर्ज चुका पाएंगे, जो संपत्ति गिरवी रखी हुई है वो छुड़ा पाएंगे। राहु की दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर है तो यह भाव शिक्षा का भाव है, उससे सेकंड भाव है, तो जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं, जो जातक विद्यार्थी एजुकेशन लाइन में है अभी, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेंथ में रहना पड़ेगा और राहु के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु आपकी राशि कुंडली में सिक्स्थ हाउस को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। सिक्स्थ हाउस का मतलब कंपटीशन का है, सिक्स हाउस का मतलब रोग है, और राहु सेकंड हाउस में आकर के आपकी राइट आई से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी राइट आई की रोशनी कम कर सकता है, कोई छोट दुर्घटना से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको थोड़े दिन के लिए आंखों को विश्राम देना पड़ सकता है, इसलिए सेफ साइड में रहना है। राहु की दृष्टि एट्थ हाउस पर भी है, एट्थ हाउस की राशि धनु है, जो कि बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति की राशि है, तो राहु और बृहस्पति आपस में शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में राहु एट्थ हाउस पर दृष्टिपात करके, और क्योंकि शनि भी वहीं है, शनि और राहु 24 जनवरी 2020 तक सम सप्तक दृष्टि संबंध बनाए रखेंगे, अर्थात 180 डिग्री पे एक दूसरे को संबल प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों एक समान फल करते हैं, राहु शनि के समान फल करता है और शनि अपना प्रभाव देने में सक्षम है। अब बात करते हैं राहु की दृष्टि कुंडली में टेंथ हाउस पर है, टेंथ हाउस को कर्म बोला जाता है, और यहाँ पर टेंथ हाउस में शनि की दृष्टि है तो व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो भी आप काम करना चाहते हैं, यदि पैसे के कारण कोई समस्या खड़ी हुई है, पैसे के कारण अड़चन आ गई है, काम रुक सा गया है या काम रुकने वाला है, तो ये संभावनाएँ न्यूनतम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, आपका काम रुकने वाला नहीं है। पैसे से संबंधित यदि कोई मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके कारण आपका बिजनेस हेडअप नहीं होगा, उसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगी, ये पक्की बात है। आपको राहु के उपाय करने हैं, ये निश्चित है। और राहु के लिए क्या उपाय करना है, बहुत सिंपल सा उपाय है। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, जो सामान्य तौर पर घर पर पूजा पाठ होता है तो कलश पर स्थापित करते हैं, ये आपको मालूम है नारियल, वो नारियल लेना है, क्लॉकवाइज जैसे ऐसे घड़ी घूमती है वैसे ही अपने सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है।
मॉर्निंग में 9 से 10:30 के बीच में राहु काल होता है शनिवार को, और ये शनिवार को ही करके पानी में विसर्जित करना है। पानी में विसर्जित करने का अर्थ आपको नदी ढूंढने नहीं जाना है, कोई समुद्र ढूंढने नहीं जाना है, कोई तालाब ढूंढने नहीं जाना है। अपने बाथरूम में पानी की बाल्टी भरिए, उसमें नारियल डालिए, तो भी उतना ही महत्वपूर्ण उपाय होगा, उतना ही रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। जब वापस आपको याद आता है शाम के समय, कभी भी उस नारियल को निकाल के कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। ये छोटा सा उपाय, घरेलू उपाय, जो आप आराम से कर सकते हैं। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा बेटर है, और नहीं यदि बहुत बड़ा संस्कृत में करने में, बहुत बड़ा स्तोत्र जाप करने में, पाठ करने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, तो बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की कुंडली में, राशि कुंडली में लग्न में ही राहु के आ जाने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो व्यवसाय करते हैं, जो कार्य व्यवसाय है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कैरियर है, उसमें आप और सीरियस हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे। मन को शांति मिलेगी। राहु की दृष्टि संतान भाव पर है, फिफ्थ हाउस पर है, तब ऐसी स्थिति में सुख में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यात्राओं में वृद्धि होगी, और आप भूमि भवन वाहन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अर्थात वाहन परचेज करेंगे या प्रॉपर्टी कुछ परचेज करेंगे। राहु की दृष्टि कुंडली में 7th हाउस पर है। यहाँ पे राहु कुंडली का मतलब राशि कुंडली से है, क्योंकि ये जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो 100% राशि के आधार पर, ये जो मून साइन है, मून साइन पर ही हम ये प्रोग्राम आधारित है। सप्तम भाव पे दृष्टिपात करने से आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, कष्टपूर्ण स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में यदि जो व्यक्ति साझेदार हैं, साझेदारी में बिजनेस करते हैं, उनको साझेदारों से भी कुछ परेशानियां आ सकती है, उस ओर आपने अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल बना करके सावधान रहना चाहिए, और प्रैक्टिकल व्यक्ति हमेशा जीतता है, हमेशा सफल होता है। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो जो भी आप एफर्ट करेंगे वो भाग्य से आपको संबल प्रदान करेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। संतान के सुख में वृद्धि होगी तो संतान की आय में भी वृद्धि होगी। और एक बात यहाँ पर और ज़्यादा फायदेमंद है कि जो व्यक्ति अविवाहित है उनको अच्छे घर के रिश्ते आएंगे, उनको अच्छे लड़की या लड़के के, जो भी जातक है, यदि फीमेल जातक है तो लड़के के रिश्ते आएंगे, लड़का है तो फीमेल के रिश्ते आएंगे, तो अच्छे रिश्ते आएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि राहु लग्न में है, इसलिए राहु के उपाय आपको भी करने पड़ेंगे, और राहु के लिए काले तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राम रक्षा स्तोत्र या श्री राम की पूजा उपासना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को राशि कुंडली से 12th हाउस में राहु का प्रवेश होगा, और 12th हाउस में राहु के प्रवेश से जो दृष्टि है कुंडली में 4th हाउस पर जाएगी। 4th हाउस को भूमि भवन और वाहन का कहा जाता है। वही दृष्टि कुंडली में 6th हाउस पर जाएगी, जिसे कि कर्ज, कंपटीशन, रोग और वाद विवाद का कहा जाता है। और राहु की दृष्टि 8th हाउस पर भी होगी, इसलिए इस राहु के राशि परिवर्तन से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है कि कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है, बहुत बलवान हो जाएगी। जो व्यक्ति कर्ज ले चुके हैं और कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो चुका है, ये 18 महीने, क्योंकि राहु 18 महीने तक एक जगह पर रहता है, इसमें राहु कभी वक्री या मार्गी नहीं होता, हमेशा वक्री ही चलता है, इसलिए राहु का राशि का प्रभाव जो है वो सटीक ही मिलता रहेगा और एक जैसा मिलता रहेगा। जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपका सर्कल है, जो भी सुख संपत्ति मान सम्मान है, उसमें वृद्धि होगी, नए नए संबंध बनेंगे और उनसे आपको फायदा मिलेगा। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे, उनमें आपको सक्सेस मिलने के साथ में आपको नेम फेम और फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति नौकरी करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, तब उनको प्रमोशन के चांसेस हैं, उनमें गेन में बढ़ोतरी होगी, अर्थात इंक्रीमेंट की संभावनाएँ बहुत अच्छी है। राहु 12th हाउस में है, 12th हाउस का राहु एक खास चीज़ के लिए बदनाम है। साथ ही साथ जिन लोगों की कर्क राशि है, उन लोगों को मैं विशेष सावधान करना चाहता हूँ कि राहु मनोभावों को विचलित करने वाला ग्रह भी है। कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी और वेवरिंग थॉट के लिए राहु माना जाता है। 12th हाउस का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक व्यर्थ के
प्लानिंग अर्थात हवाई जो प्लानिंग बोलते हैं, हवाओं में महल बनाने का काम करने लगता है, व्यक्ति उन्मादी होने लगता है, अर्थात उसको गुस्सा आता है तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहा है, किसके साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। राहु उच्च राशि का है, ट्वेल्थ हाउस में है, तो ट्वेल्थ हाउस का राहु जो कुछ कर सकता है वो अच्छा करेगा तो उसके साथ बुरा भी कर सकता है, आपको मानसिक अशांति दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, व्यर्थ के खर्चे भी करा सकता है, जो खर्चे नहीं करने चाहिए, जो आप सोच समझ करके टाल सकते थे, यदि किसी को पैसा उधार देना था आप टाल सकते थे, नहीं टाला वो पैसा आपका फंस जाएगा। आपको राहु के उपाय विशेष रूप से करने जरूरी हैं। यदि जो भी जातक हैं नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो अब उन्हें नवग्रह स्तोत्र का पाठ दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। राहु की प्रॉब्लम के लिए, राहु का दोष निवारण के लिए हम आप जातकों को या आप दर्शकों को, व्यूवर्स को सलाह देते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा कवच धारण कर सकते हैं, राहु से संबंधित दान दे सकते हैं, और यदि आप सक्षम हैं तो जब भी आपका जन्मदिन हो तब राहु की शांति का हवन करवा दें। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तब ये करना है, नहीं तो सामान्य घरेलू उपाय आप करते रहिए। जो भी उपाय करते हैं उपाय आस्था से, उपाय विश्वास से किए जाते हैं, उपाय से पैसे का लेन देन नहीं है। अर्थात आप 100 ब्राह्मणों के साथ में राहु का अगर शांति पाठ करा देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो एक सीमित संख्या है वहाँ तक जाप कराना है, वो आप किसी भी पंडित से, जो भी आप स्थानीय पंडित हैं उनसे पूछ करके, उनसे सलाह करके आप समय निर्धारित कर सकते हैं, और बहुत ही सामान्य से क्रम है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन लाभ आपको मिलेगा, सहायता आपको मिलेगी और राहत आपको जरूर मिलेगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि मेष राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, जो भी व्यक्ति जिनकी यह राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, उन व्यक्तियों को बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि राहु थर्ड, सिक्स और इलेवंथ में सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, सबसे प्रभावशाली रिजल्ट देता है, और अनएक्सपेक्टेड गेन का कारण भी राहु ही है। अकस्मात धन प्राप्ति, लॉटरी का टिकट, स्पेकुलेशन, कोई भी चीज़ आपने ऐसा किया जिसमें आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना ही लाभ होगा, कुछ आपका टारगेट बहुत थोड़ा सा था लेकिन उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ आएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो गेन, वो रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो सिंह राशि के व्यक्तियों को राहु राशि से इलेवंथ हाउस में आकर के गेन की स्थिति में लाएगा, यश की स्थिति में लाएगा, एप्रिसिएशन की स्थिति में लाएगा, और क्योंकि 2019 में चुनाव होने वाले हैं इसलिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और जिनकी सिंह राशि है उन व्यक्तियों को चुनाव में सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी दूसरों के कंपैरिजन में। जो भी दूसरे राशि वाले हैं, मेष, सिंह और कुंभ राशि को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 9 राशियाँ हैं उनके कंपैरिजन में राहु आपको ज़्यादा बेटर, अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु राजनीति का अधिपति ग्रह भी है। राहु कुंडली में पराक्रम स्थान को देखता है, धन स्थान से सेकंड है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि आपको पृथक धन संपत्ति या किसी लावारिस जो रिश्तेदार है या कोई लावारिस व्यक्ति है उसकी संपत्ति मिलने के योग हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके मित्र, आपके सपोर्टिव जो भी साथ में काम करते हैं, जो भी आपके सपोर्टिव स्टाफ्स हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा, उनसे आपको गेन होगा और वो आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको बहुत बड़े संकट से बचाने का काम भी करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहु अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली में फिफ्थ हाउस को देखते हैं, फिफ्थ हाउस का मतलब सुख में वृद्धि, फिफ्थ हाउस का मतलब एजुकेशन है, लेकिन वो सुख भाव से धन भाव का है, इसलिए घर में संतान की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति से मतलब है, मैं यहाँ पे पुत्र और पुत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, संतान संतान ही होती है, हर किसी की रुचि, हर किसी का एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकता है, हर किसी की इच्छाएं कामनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे संतान के बारे में बात कर रहा हूँ। संतान का योग है, जो व्यक्ति, जो पेरेंट्स संतान के बारे में बहुत चिंतित है, संतान नहीं हो रही है, उन व्यक्तियों को मैं खुशखबरी दे सकता हूँ कि आप राहु का उपाय करें, आपको संतान जरूर मिलेगी, आपको खुशियाँ, आपके घर आंगन में किलकारी गूंजने का योग इस 2019 और 20 में है, इसलिए आपको मैं अग्रिम बधाई दे सकता हूँ। राहु के उपाय कीजिए, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, तो वहीं भूमि भवन वाहन के सुख में भी वृद्धि होगी, सब मिलाकर के एटमॉस्फेयर घर का बहुत अच्छा रहेगा, चेयरफुल रहेगा, अर्थात घर में खुशियाँ आएंगी, संतान की प्राप्ति से खुशी आए या संतान का विवाह हो उससे खुशी आए, संतान के एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आकर के बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए उससे खुशी आए, लेकिन घर में खुशियां जरूर आएगी। राहु
अपनी नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव व्यापार का भी है, सप्तम भाव साझेदारी का भी है, सप्तम भाव आपके गृह सुख का भी है, पत्नी सुख का भी है, पति सुख का भी है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये बोल सकता हूँ कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, जीवन साथी से यदि कोई मनमुटाव चल रहे हैं तो वो दूर होंगे, और जो भी व्यक्ति यदि दिमाग में कहीं भी तलाक का विषय है, यदि कहीं दिमाग में तलाक का शब्द बार बार आपको हैमर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो स्थितियाँ बदल जाएंगी, वो स्थिति बैक टू पवेलियन हो जाएगी और वापस आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं, आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाएंगी। तो आपका जीवन सही होने वाला है 2019 6 मार्च 2019 से, अर्थात राहु के राशि परिवर्तन से। 11th हाउस का राहु अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर है, जो भी व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड, चाहे वो लॉटरी से हो, चाहे वो स्पेकुलेशन पे हो, चाहे वो शेयर में हो, चाहे वो डिबेंचर्स का काम करते हो या उसमें इंटरेस्ट हो, उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा फ़ायदे का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ बेच करके सिर्फ इसी में लगा दें, ये सिर्फ इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब एक राशि के 16 करोड़ लोग हैं, सभी पर यह घटित नहीं होने वाला है। इसलिए इस प्रेडिक्शन पर, ज्योतिष का कोई भी प्रेडिक्शन हो, अपनी बुद्धि अपने विवेक इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपके बारे में बात नहीं हो रही है, यह बात जनरल लोगों के बारे में बात हो रही है। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो कभी कुंडली लेकर के आइए, हम और आप बैठते हैं और विश्लेषण करते हैं आपकी समस्याओं का, आने वाले समय का क्या अच्छा और क्या बुरा है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों को राशि से 10th हाउस में राहु का राशि प्रवेश हुआ है, उस राशि प्रवेश से 2nd हाउस पर धन और संपत्ति भाव पर, भूमि और भवन भाव पर, सुख भाव पर, और कुंडली में 6th हाउस रोग कर्ज कंपटीशन भाव पर राहु का दृष्टि संबंध होगा, राहु दृष्टि डालेगा। जो पापी ग्रह हैं वो अपनी पाप दृष्टि डाल करके पाप में वृत्तियों को निरस्तान कर दें या उनकी प्रवृत्तियों को रोकते हैं। यदि नेगेटिव प्लेनेट नेगेटिव इम्पैक्ट देगा तब क्या होगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, और पॉजिटिव एस्पेक्ट बेदृष्टि डालेगा नेगेटिव प्लेनेट तो क्या होगा, पॉजिटिव के फलों में कमी हो जाएगी। ये एक उद्देश्य समझाने का कि ग्रह किस ढंग से काम करते हैं। ग्रहों की दृष्टि में ही अमृत और विष है, ग्रह जिस भाव पर है उस भाव की अपेक्षा जहाँ देखते हैं उसका फल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बात जो ज्योतिष के विद्यार्थी है, जो जिज्ञासु है, उनके ध्यान देने की है। राशि से 10th हाउस में राहु आकर के सबसे पहले आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट देगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निस्तारण के लिए जो भी उद्योगपति हैं, जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, आपको आइडिया देंगे। राहु के 2nd हाउस पर दृष्टिपात से धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि प्रेतक संपत्ति पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डिस्प्यूट्स है, तो इस समय ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो बृहस्पति है वो बृहस्पति भी 5 नवंबर 2019 तक आपकी जन्म कुंडली राशि कुंडली में 11th हाउस को देखेंगे, जहाँ की बृहस्पति की उच्च राशि है। राहु और शनि का दृष्टि संबंध 24 जनवरी 2020 तक निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि 24 जनवरी 2020 को शनि अपनी अगली राशि अर्थात अपनी खुद की राशि मकर राशि में चले जाएंगे। वहाँ से जाकर के शनि और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे, क्योंकि शनि इस समय शत्रु राशि में है। राहु का दृष्टि संबंध 4th हाउस पर होने से पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ संपत्ति के मामलों में आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम भी है तब भी मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि उसमें आपकी विजय की संभावना बढ़ जाएगी। राहु जो अच्छा कर रहा है उसका और अच्छा प्रभाव लेने के लिए राहु को और प्रभावशाली बना सकते हैं और बलवान बना सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, राहु का रत्न पहन सकते हैं, और राहु का रत्न है गोमेद। कोई भी धातु में पहने, रत्न पहनने से अर्थ है यहाँ पर रत्न काम करेगा, सोना और चांदी काम नहीं करेंगे। हर व्यक्ति का कन्फ्यूज़न है कौन सी अंगुली में पहनूं, किस धाती में पहनूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्टोन आप प्लास्टिक की अंगूठी बना करके पहन लीजिए, लोहे में पहन लीजिए, उतना ही असर करेगा। सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं है, रत्न को असर करना है। खांसी की दवाई को असर करना है, कौन से चम्मच से लेंगे इसका अर्थ नहीं है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, ज्योतिष प्रैक्टिकल से चलेगा, अंधविश्वास से नहीं चल पाएगा। अब राहु की दृष्टि कुंडली में 6th हाउस पर भी है, शत्रु उत्पन्न होंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन वो आपसे जीत नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली आप ही गेन करेंगे, आप ही सक्सेस होंगे, आप ही उन पर हावी होंगे, ये बात निश्चित है। तो यह राहु सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं कि शत्रु को उत्पन्न करने का या फाइनेंशियल कभी न कभी डिस्टर्बेंसेज लेने का, क्योंकि बृहस्पति भी राशि से 3rd हाउस में है,
इसलिए जो भी सात्विक ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह वहाँ जाकर के पीड़ित होगा, इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कमी कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस चार चीज़ को कंट्रोल करता है। इसलिए फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज कीजिएगा, लेकिन ये टाइम पीरियड 18 महीने का आपके लिए बहुत बेटर है, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये साल 2019 चुनाव का है, इसलिए चुनाव में भी जो व्यक्ति खड़े हैं जिनकी राशि कन्या राशि है वो सहयोग से चुनाव जीत सकते हैं, उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट नेचर में होना चाहिए ताकि आप अपने मित्रों का सहयोग ले पाएँ, थोड़ा सा झुक पाएँ, थोड़ा सा नम्र हो जाएँ, तो आप 100% विजय होंगे। राहु 10th हाउस में, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस को देख करके दान पुण्य में रुचि बनाएगा, तीर्थ यात्राओं की ओर प्रवृत्त करेगा, या ये बोल सकते हैं थोड़ी सी धार्मिक वृत्ति हो जाएगी। राहु उच्च राशि का है, फल भी आपको उच्च राशि के मिलेंगे, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों को राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में राहु का प्रवेश हुआ है। इस राहु के प्रवेश से इसकी चंद्रमा की अर्थात राशि पर दृष्टि है, जहाँ की चंद्रमा होता है, तो मानसिक चिंता तो जरूर मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा राहु का शत्रु है या राहु चंद्रमा का शत्रु है, ये दोनों जब भी कंजक्शन करते हैं तो उस चीज़ को ग्रहण योग कहा जाता है, और ग्रहण का मतलब नेगेटिव ही होता है, ग्रहण कभी पॉजिटिव नहीं हुआ। राहु की दृष्टि लग्न पर, राहु की दृष्टि कुंडली में थर्ड हाउस पर, थर्ड हाउस का मतलब है छोटे भाई बहन, उनके सुख में वृद्धि होगी, उनसे आपको सम्मान मिलेगा, या उनके जीवन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो शादी से संबंधित है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है। आपकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, और साथ ही साथ यात्राओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं, ये विदेश यात्राएं, क्योंकि थर्ड हाउस एब्रॉड का भी है, 12th हाउस एब्रॉड का है, 8th हाउस एब्रॉड का है, तो जब जब भी राहु की दृष्टि यहाँ पर होगी, व्यक्ति एब्रॉड से संबंधित यात्रा करने को लालायित होता है। यदि आप कहीं पर भी परमानेंट रेजिडेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, PR NRI के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सही समय है, 18 महीने के अंदर आपका वो चीज़ जो PR है वो क्लियर हो सकती है, आपको मिल सकती है, आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए। 2019 और 2020 में, सितंबर 2020 से पहले यह राहु आपको काफ़ी यात्राएं कराएगा, उसमें धार्मिक यात्राएं भी होंगी, विदेश यात्राओं से संबंधित भी होगी। राहु की दृष्टि कुंडली में 5th हाउस पर है, राशि कुंडली में 5th हाउस पर है, 5th हाउस एजुकेशन का है, तो आपकी संतान बहुत अच्छे ढंग से एजुकेशन कर पाए, उससे आपको खुशी मिलेगी, उससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, गर्व का एहसास होगा, या आपके छोटे भाई बहन बहुत अच्छा एजुकेशन में रिजल्ट लाएं, उनसे आपको प्रसन्नता होगी, गर्व का एहसास होगा। राहु की दृष्टि 5th हाउस में होने पर संतान प्राप्ति होगी, पुत्र या पुत्री, इसका कोई यहाँ पर हम जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो व्यक्ति संतान चाहते हैं उन व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय संतान प्राप्ति का योग है, तो अपना संतान या अपना चाइल्ड को प्लान कर सकते हैं, और यदि किन्हीं पेरेंट्स को संतान प्राप्ति में बाधा है तो मेडिकल साइंस की सहायता से, चाहे वो IVF हो या दूसरा कोई माध्यम हो, उस ढंग से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें, सफल हो जाएंगे। राहु की 9th हाउस में अर्थात भाग्य भाव में राशि परिवर्तन से अकस्मात धन प्राप्ति में वृद्धि होगी, अनएक्सपेक्टेड जो गेन होगा, और वो गेन भी शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म गेन होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिला, चाहे वो लॉटरी से हो, चाहे स्पेकुलेशन पे हो, चाहे वो गोल्ड या सिल्वर की ट्रेडिंग से हो, या कोई प्रॉपर्टी बेचने से हुआ हो, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, उससे कहीं ज़्यादा कीमत आपको मिल जाए, या आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा गेन वाली सिचुएशन आ जाए, वो वाली सिचुएशन 2019 और 2020 में है। इसलिए राहु आपको अच्छा फल देने वाला है, अच्छी सक्सेस देने वाला है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको राशि से 8th हाउस में राहु का प्रवेश होगा। इस राहु के राशि प्रवेश से 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पर राहु की दृष्टि रहेगी। आपको शनि की साढ़े साथी का थर्ड फेस भी चल रहा है, जो कि 24 जनवरी 2020 तक रहेगा, तो राहु भी राशि से 8th आकर के नेगेटिव फल प्रदान करेंगे, शनि की साढ़े साथी भी संघर्ष देगा। सिर्फ एक ही स्थिति अच्छी है कि बृहस्पति आपकी राशि में आकर के गज केसरी योग बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक राशि में 5 नवंबर 2019 तक रहेंगे। सिर्फ एक छोटा सा समय
29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति धनु राशि में जाएंगे अतिचारी होकर के। वो समय अच्छा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन का हो सकता है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का हो सकता है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 25 दिन आपके लिए ट्रेलर है कि 2019 के अंत में आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी बेटर होने वाली है, इसका अंदाजा आपको 2019 के अप्रैल माह में मिल जाएगा। राहु के एट्थ हाउस में आने से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अपमान अपयस वाद विवाद कोर्ट कचहरी की स्थिति आ सकती है, लेकिन धन संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि धन संपत्ति से रिलेटेड कोई केस चल रहे हैं उनमें आप सक्सेस होंगे, विजय हासिल होगी, लेकिन शत्रु बढ़ जाएंगे, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, लेकिन पैसा खर्च करके भी ये बोल सकते हैं कि संपत्ति आपको मिल जाएगी। अनएक्सपेक्टेड गेन के भी योग है, अर्थात स्पेकुलेशन से, लॉटरी से, शेयर से या और किसी कमोडिटी मार्केट से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन के योग हैं, जो आपने नहीं सोचा समझा है, जो आपने अनुमान नहीं लगाया, उससे कहीं ज़्यादा आपको गेन हो सकता है। यात्राएं 2019 और 2020 में होने वाली है। राहु 18 माह तक एक राशि पर रहता है, तो 6 मार्च 2019 से 23 सितंबर 2020 तक राहु इसी राशि पर रहेगा, और राहु राशि से एड़ते, इसलिए राहु के उपाय आपको करने होंगे। ध्यान रखते हुए यदि राहु का उपाय करेंगे, नियमित यदि राहु का उपाय करेंगे, तो ये राहु जो नेगेटिव फल दे सकता है, आपको दुश्मनी में वृद्धि कर सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है, एक्सपेंसेज में वृद्धि कर सकता है, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। राहु की फोर्थ हाउस पर दृष्टि है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि छोटे भाई बहनों का सुख बढ़ेगा, तो विदेश से यात्राएं भी होगी या विदेश से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, वहाँ से गेन हो सकता है, संपर्क सूत्र बढ़ सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल है वो फॉरन में डेवलप हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट फॉरन में डेवलप हो सकते हैं, उससे भी आपका आना जाना फॉरन में बढ़ सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस का राहु 12th हाउस और 2nd हाउस दोनों को देख करके आपको इन यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रखेगा, आपका खुद का इंटरेस्ट भी यात्राओं पर होगा और आपको इससे गेन भी होगा। राहु की दृष्टि 4th हाउस पर है, 4th हाउस भूमि भवन वाहन का है। 8th हाउस का राहु 4th हाउस को देख करके आपके माता के स्वास्थ्य संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, तो साथ ही साथ भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख भी देगा, गेन भी देगा। राहु के लिए आपको 23 सितंबर 2020 तक निरंतर राहु के लिए राहु के मंत्र जाप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा कवच, या ये बोल सकते हैं नवग्रह कवच बना करके धारण करें, और यदि पूजा पाठ कर सकते हैं तो राहु यंत्र या राम रक्षा यंत्र कोई विद्वान व्यक्ति से प्राण प्रतिष्ठित करा करके उपलब्ध करें और उसका नित्य पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें। राहु के लिए नारियल का उपाय मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हर शनिवार को राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में राहु काल होता है, उसमें एक नारियल अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके पानी में विसर्जित करना है, इतना सा करके भी काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं धनुराशि की, आइए अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों को राशि कुंडली से 7th हाउस में राहु का राशि प्रवेश होगा, और इस राशि प्रवेश से संतान की प्राप्ति होगी, संतान सुख बढ़ेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको तकलीफें आ सकती है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी पार्टनरशिप के बिजनेस हैं या जो बिजनेस में है व्यक्ति, उन लोगों को इस समय गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई समस्याएं आ सकती है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, परमिट से रिलेटेड हो, लाइसेंस से रिलेटेड हो, उस और यदि कोई भी गलती है, आपने कोई गलती की है पूर्व में, तो उसको संभालने का, उसको सुधारने का आपके लिए समय है, उसको जल्द से जल्द सुधार दीजिए ताकि ये कोई परेशानी बड़ी ना हो पाए। राहु का दृष्टि संबंध 11th हाउस से भी, गेन से भी है, इसलिए इनकम में वृद्धि होगी, इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, इनकम के नए नए साधन बनेंगे, अतः रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नए नए सेक्टर से आपको इनकम होगी, चाहे वो किराए की इनकम हो, चाहे प्रॉपर्टी की इनकम हो, या चाहे कोई और व्हीकल किराए पे देने से, या प्रॉपर्टी किराए देने से, मकान किराए देने से इनकम की प्राप्ति आपकी होगी, इनकम में वृद्धि होगी, नए नए साधनों से इनकम की प्राप्ति आपको होने लगेगी, अर्थात फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है, नेम फेम आपका बढ़ेगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और सराहेंगे, आपकी सहायता करेंगे। 2019 5 नवंबर के बाद में
आपको गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है, आपको बहुत बड़ा अवार्ड रिवार्ड भी मिल सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको सावधान रहना चाहिए कि ये समय उसको शत्रुओं में वृद्धि करने को प्राप्त होंगे, अर्थात शत्रुओं की वृद्धि मिलेगी, अनायासी शत्रु आपके बन जाएंगे। यदि उनका कोई लेना देना नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं इसलिए वो चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और लैग पुलिंग करेंगे। सप्तम भाव का राहु कैरियर में अचानक वृद्धि करता है, अनएक्सपेक्टेड गेन करता है, बूस्टअप देता है, या ये बोल सकते हैं कि नया काम कोई आपने स्टार्ट किया है और वो बहुत स्पीड से हाइप करे, अनएक्सपेक्टेड गेन दे, या दिन दुनी रात चौगनी वाला स्थिति आपकी हो सकती है। राहु की दृष्टि लग्न पर भी है अर्थात राशि पर भी है। राशि और चन्मा, अर्थात राशि का मतलब चन्मा है, राहु की दृष्टि चन्मा पर जब होगी तो मानसिक परेशानियां भी आएगी, व्यक्ति बेचैन भी रहेगा, अनकंफर्टेबल होगा और उसको कभी कभी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस बहुत होगा लेकिन कुछ डिसीजन नहीं हो पाएगा, व्यक्ति सोचता बहुत रहेगा, अंततः उसको क्या डिसीजन करना है, क्या निर्णय हुआ वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि अनमना स्थिति या दुविधा की स्थिति, कश्मकश की स्थिति ऐसा राहु देता है। राहु की दृष्टि कुंडली में, राशि कुंडली में थर्ड हाउस पर है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, धन संपत्ति में वृद्धि का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, साथ में काम करने वाले जो भी अधीनस्थ है, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका भी है, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, भाई बहन उन्नति करेंगे। और एक बात और है कि आपको शनि की साथी का सेकंड फेज चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको शनि के संबंधित उपाय भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि संघर्ष का अधिपति है। शनि की साथी जब भी व्यक्ति को आती है तो अपना कौन पराया कौन ये उसको पता चल जाता है, उसमें कितना पेशेंस है, कितना बूस्टअप है, कितनी एनर्जी लेवल है, अपना कौन पराया कौन ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो किस स्ट्रेंथ पे, किस पोजीशन पे है, क्योंकि जो जो उसको सपोर्ट देते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं और उस व्यक्ति को अकेले ही फाइट करना पड़ता है, अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए शनि से संबंधित जो भी उपाय हैं वो जरूर आप करते रहिए। कोई भी जानकारी चाहिए कौन से उपाय कैसे करने चाहिए या आपको शनि की साथ कब लगेगी, बहुत सिंपल है, हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जानकारियों का खजाना आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ आपको विजिट करना है, अपने काम की चीज़ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। आइए अब बात करते हैं मकर राशि के व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि के व्यक्तियों के बारे में। आपकी राशि कुंडली से सिक्स्थ हाउस में राहु का राशि प्रवेश हुआ है और इस राहु के राशि प्रवेश से आपको सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन या अनुकूल पोजिशन की बातें बोल सकते हैं वो 2019 और 2020 तक आपको मिलेगी। शनि की साथी का फर्स्ट फेज आपको स्टार्ट हो चुका है 26 जनवरी 2017 से, उसके बावजूद भी यह राहु आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, स्पोर्ट्स पर्सन कोई है उसको सक्सेस मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड मिलेगा उसको, उस व्यक्ति को जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको विदेश में यात्राएँ करने का, विदेश में ट्रेनिंग करने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के सुख में वृद्धि होगी तो साथ ही साथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी और आपके खानदान में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी पहुंच बढ़ेगी, लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपसे सलाह लेंगे। समाज का एक नियम है, जो व्यक्ति पैसा कमाता है, जो व्यक्ति सफल होता है वो समझदार माना जाता है और लोग उससे सलाह लेते हैं। ये समय आपका है, आप इस समय समझदार माने जाएंगे, आप इस समय सफल माने जाएंगे और लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आपसे सलाह मांगेंगे, आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे और आपको मार्गदर्शन देना चाहिए और मार्गदर्शन लेना भी चाहिए। शनि की साथी में व्यक्ति को सिर्फ अपने ही निर्णय पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा यूनानिमसली निर्णय लेना चाहिए। जो भी परिवार के सदस्य हैं उन सबसे पूछ करके, उन सबसे बात करके फिर डिसीजन ले कि क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ, क्योंकि शनि की साथी में व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, अपनी जिद से ही काम करते हैं, अपनी जिद से ही निर्णय लेते हैं और कई बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। शनि राहु का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली, राशि कुंडली में सिक्स्थ हाउस में राहु होने से सेकंड हाउस पर भी है और ट्वेल्थ हाउस पर भी है, तो ट्वेल्थ हाउस पर राहु की दृष्टि होने से एक्सपेंसेस में कमी आएगी, जो भी अपमान अपेस की स्थिति होगी उससे आप साफ बच करके निकल जाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि कर्ज से निकलने के, कर्ज चुकाने के मौके आपको मिलेंगे, कर्ज मुक्ति के आपको मिलेंगे और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेना चाहता है तब भी आसानी से मिल जाएगा। दोनों ही परिस्थितियाँ आपके सामने हैं,
कई बार ऐसा होता है कि आप कर्ज लेना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, कई बार ये होता है कि कर्ज ले लिया है लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आप अपने प्रतिभा दिखला सकते हैं। ये समय आपको फायदा दे सकता है और साथ ही साथ इस समय जीवन साथी से सुख मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जो व्यापारी गण हैं उनको व्यापार में और उन्नति और प्रगति के मौके मिलेंगे। यह राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, आइए बात करते हैं कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि इस समय 26 जनवरी 2017 से 20 जून 2017 तक और फिर आगे 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक शनि राशि से 11th रहेंगे। हमेशा ये सिद्धांत है नेचर का कि व्यक्ति को जब प्रॉब्लम आने वाली होती है, व्यक्ति को जब मुसीबतें आने वाली होती है, उससे ठीक पहले नेचर उसको अनएक्सपेक्टेड गेन देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देती है। ये समय आपका है क्योंकि 24 जनवरी 2020 को आपको शनि की साढ़े साथी आरंभ हो जाएगी। आपकी राशि का अधिपति स्वयं शनि है, शनि की साढ़े साथी के फल में कुछ कमी हो सकती है लेकिन शनि की साढ़े साथी फल मिले नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। शनि संघर्ष देता है, व्यक्ति को शाइन कराता है, व्यक्ति को मैच्योर बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है। अच्छा कौन बुरा कौन, अपना कौन पराया कौन, ये सबका आभास उसको हो जाता है जब शनि की साढ़े साथी आती है। शनि जब 24 जनवरी 2020 को आपकी राशि में आएगा उसके ठीक 100 दिन पहले आपको उसका फल देखने को मिल जाएगा और अगले 100 दिन तक उसका सबसे ज़्यादा भीषण प्रभाव रहेगा। इसलिए ये 200 दिन यदि आपने बहुत अच्छे ढंग से निकाल दिए तो शनि की साढ़े साथी में आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। राहु राशि से पंचम स्थान में आया हुआ है, पंचम स्थान शिक्षा का है, बुद्धि का है, संतान सुख का है। राहु भाग्य भाव पर दृष्टिपात कर रहा है तब ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि भाग्य का सुख आपको मिलेगा। 11th शनि सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, चाहे वो शनि मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इन सब सेक्टर का मालिक शनि है। जो व्यक्ति इन सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, इन सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको इस समय राहु के राशि परिवर्तन से और शनि के राशि परिवर्तन तक बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट और प्रोग्रेस का योग है। अनएक्सपेक्टेड गेन की बातें मैं बोलता हूँ वो वास्तव में इस कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को घटित होने वाली है, मिलने वाली है। धन और ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी, सट्टे शेयर इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा मिलेगा। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है उन व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति होगी और जो व्यक्ति अपनी संतान की शिक्षा से परेशान है कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, कभी पास ही नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उनका बच्चा देखो कैसे हो रहा है, यह शिकायतें आपकी इस वर्ष नहीं रहेगी। 2019 में जो आपका बच्चा पढ़ रहा है, 2019 में भी यदि अप्रैल और मई में कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और 2020 का रिजल्ट मार्वलस रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। यह मैं आपको एडवांस में आप बता सकता हूँ, एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा पूरी होकर के डिग्री मिल सकती है और उसके साथ में जॉब की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इनकम में वृद्धि होगी, जो भी अचीवमेंट, जो भी काम आप करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा गेन आपको मिलेगा, कम एफर्ट में ज़्यादा गेन मिलेगा, अर्थात आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने एफर्ट से, अपने कार्यों से। शादी के योग आपके बनने वाले हैं, जो व्यक्ति अविवाहित हैं बहुत समय से शादी के लिए सब प्रयास ही कर रहे हैं क्योंकि राहु भी शादी में निर्णायक स्थिति देता है। एक लड़के के लिए शुक्र का बलवान होना शादी का सुख देता है, तो एक लड़की के लिए बृहस्पति का बलवान होना या अच्छी पोजीशन में आना शादी का स्थिति बना देता है, अतः विवाह की स्थिति फाइनल हो जाती है। यह स्थिति आपकी आने वाली, आपके विवाह के योग बनने वाले हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर अर्थात राशि पर है, इसलिए मानसिक तनाव भी आपको मिलता रहेगा, इसलिए उस ओर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और यदि मानसिक तनाव नहीं झेल सकते हैं तो मैच्योर होकर के, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लीजिए राहु के उपाय करने का। और राहु के उपाय कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। व्यक्ति को जीवन में इष्ट बलि जरूर होना चाहिए, कोई न कोई एक भगवान की पूजा आराधना उसको नियमित करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, पूजा पाठ का समय नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठ करके निकल जाता हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा मंदिर है, सबसे ज़्यादा आस्थावान उधर है, सबसे ज़्यादा सुबह सुबह पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, और लेकिन यही सेक्टर्स, यही स्टेट सबसे ज़्यादा इनकम भी
देते हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेंथ भी देते हैं, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है उसको उतनी सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं अपना दैनिक नियम के अनुसार नियमित करते हैं और पूजा पाठ का फल उनको मिलता है, ये आपके सामने। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। जातकों के बारे में। राशि कुंडली में फोर्थ हाउस में राहु का राशि प्रवेश हुआ है। फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन का है, माता के सुख का है। यह राहु माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित करेगा, उनके स्वास्थ्य को गड़बड़ करेगा, और स्पेशली हार्मोन से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड परेशानियां देगा, कोई न कोई घाव को इतना ज़्यादा परेशान कर देगा कि उसमें से बदबू आने लगे, वो स्थिति राहु उत्पन्न करने का जनक माना जाता है। यह स्थिति राहु देने में माहिर है, इसलिए सावधान रहिए। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई सेक्टर, यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, यदि कोई केसेस चल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये केसेस आपको और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी उस जंजाल में फंस सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकती है, सील हो सकती है, या ये बोल सकते हैं कि उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इस और आपको सावधान रहना चाहिए। राहु एट्थ हाउस को देखता है, एट्थ हाउस होता है मति का, एट्थ हाउस होता है अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम आती है उस चीज़ का, तो राहु अनएक्सपेक्टेड क्या प्रॉब्लम दे सकता है, अचानक से दुर्घटनाएं दे सकता है, गवर्नमेंट के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है। कई बार व्यक्ति होता है अनायासी फेडअप होकर, फ्रस्ट्रेट होकर के गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट के विरुद्ध का मतलब ये है टैक्स की चोरी करना, गवर्नमेंट के विरुद्ध का मतलब ये है कि अपने फायदे के लिए कोई भी कानून का दुरुपयोग करना। ऐसी स्थिति में जो भी लीगल नहीं है, जो भी इलीगल है, उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कानून के विरुद्ध काम करेंगे एक दिन उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय शनि भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और बृहस्पति की सपोर्ट भी सब 5 नवंबर 2019 तक ही है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। राहु की दृष्टि कुंडली में 10th हाउस पर है, 10th हाउस को कर्म बोलते हैं, और राहु जहाँ देख रहा है वहाँ धनु राशि है, अर्थात बृहस्पति की राशि है, और राहु और बृहस्पति का जब भी दृष्टि संबंध होता है उस सिचुएशन को चांडाल योग की संज्ञा दी जाती है, नेगेटिविटी की संज्ञा दी जाती है, इसलिए जो भी काम धंधा है, जो भी आपका कैरियर है, वहाँ आपके लिए मुसीबत है, वहाँ आपके लिए समस्या है, साजिशों का शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए जो आप अपना काम है वो ही करिए, दूसरों का काम करने की ओर या अच्छा दिखने के लिए दूसरों के काम में इंटरफेरेंस मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए मुसीबत, गले पड़ने वाली स्थिति आ सकती है। गवर्नमेंट आपके खिलाफ होकर के कोई एक्शन ले सकती है, इसलिए भी सावधान रहना है। राहु की दृष्टि 12th हाउस पर भी है, 12th हाउस एक्सपेंसेस का, अपमान का, अपीएस का है, कोर्ट कचहरी का, वाद विवाद का है, बीमारी के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो सकता है, आप व्यर्थ के कामों में उलझ करके अपना पैसा व्यर्थ में बहा सकते हैं। तो जो व्यक्ति सट्टे की ओर प्रवृत्त रहते हैं वो व्यक्ति बहुत सावधान रहें, नहीं तो जो उनके कमाया हुआ धन है, चाहे सट्टे में आपने कुछ भी कमाया, वो सब वापस जीरो हो सकता है, इसलिए उससे बचने की ज़रूरत है। खानदान के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से वैर विरोध होगा, मनमुटाव होगा, इसलिए आपको उन स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक संपत्ति में विवादास्पद स्थिति इन्हीं कारणों से आएगी। राहु के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। राहु शनि के समान फल देता है, शनि आपकी कुंडली में 11th हाउस और 12th हाउस का मालिक है। 11th हाउस को बाधाकारक भाव माना जाता है, जो कि 6th हाउस का रिजल्ट देता है, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का रिजल्ट देता है, उसका फल देता है। और 12th हाउस का मतलब अपमान, अपमान कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु शनिवार फल करेगा, शनि के समान फल करेगा, तो यह फल आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए आपको जिनकी मीन राशि है राहु से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए, और आप अपने इष्ट बलि के लिए, अपने खुद की राशि से संबंधित उपाय के लिए शिव की पूजा उपासना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं, और शिव जी के लिए महामृत्युंजय मंत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है, और शिव जी के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक से बेहतर, उससे अच्छा फल कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए ये कर्म अवश्य करें। जीवन में आस्थावान, जीवन में धार्मिक बने रहना जरूरी है। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए। व्यक्ति को जन्म मिलता है, किसी न किसी माता पिता के द्वारा मिलता है, वो किस कास्ट, किस धर्म से, किस रिलीजन से संबंधित रखते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी रिलीजन का अपमान करें, उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपका जो रिलीजन है, आपका जो धर्म है, उसका तो सम्मान करें। और शास्त्रों में भी यही लिखा है
कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो सही है वही धर्म है, और जो आपका धर्म सिखाता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप खराब काम करें, आप इलीगल काम करें, आप दूसरों को मार डालें, आप चोरी करें, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसलिए धार्मिक बने रहने का मतलब पॉजिटिव बने रहना है, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े रहना है, और हमारा कार्य ज्योतिष का कार्य धर्म से संबंधित है। हम जो उपाय बताएंगे वो हमेशा धर्म से संबंधित ही होंगे। आइए अब बात करते हैं राहु के उपायों के बारे में। तो यह था राहु का राशि परिवर्तन, मेष राशि से लगा करके मीन राशि तक। मिथुन राशि में राहु उच्च राशि के होते हैं, केतु उच्च राशि के धनु राशि में होते हैं। केतु का परिवर्तन भी आप बहुत जल्दी ही देख पाएंगे। इस बार जो आपने राहु का राशि परिवर्तन देखा है वो आपको कैसा लगा, उससे आपको कितना लाभ हुआ, हम आपके ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी प्रयास होगा वो करते रहेंगे। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए, और देश के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए अपना योगदान देने का प्रयास जरूर करें। जय हिंद।